अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वबरक नाज़रीन आज हम आपके सामने तिब यूनानी की एक बहुत ही मशहूर क़दीम और मुजर्रब दवा लेकर हाज़िर हुए हैं यह दवा बच्चों के लिए है ये जन्म घूटी बहुत नाम सुने होंगे जो पुराने लोग हैं इस्तेमाल करते थे हमारे घर के अंदर आ, ये इस्तेमाल किया जाता था आप देख जन्म घूटी कहते हैं इसको जन्म घूटी यानी बच्चों के लिए है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है तो इस वीडियो के अंदर इस दवा के फ़ायदे इस्तेमाल का तरीक़ा बताया जाएगा तो ये जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें वीडियो पूरा देखें ताकि मकदार खुराक बच्चों को कैसे इस्तेमाल कराना है तभी आप दवा ख़रीदें इस्तेमाल कराएँ आधा अधूरी वीडियो देख कर अगर आप वीडियो ये दवा ख़रीद रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो ना देखें आप पूरा वीडियो देख कर के इस्तेमाल का तरीका जान लें या कमेंट बॉक्स में आके सवाल कर लें और इस दवा से फ़ायदा उठाएँ नुकसान नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोज इस्तेमाल करेंगे जाहिर सी बात है उसका नुकसान होगा और ये दवा बच्चों के लिए इसलिए आप एहतियात करें बेहतरीन तरीके से देख लें समझ लें फिर बच्चों को इस्तेमाल कराएँ तो ये दवा बच्चों के लिए है इस्तेमाल का तरीक़ा कैसे है और किन अमराज़ में ये दवा फ़ायदा करती है आप गौर से सुने ये दवा जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी परेशानी क्या होती है कि वो बच्चे बोल नहीं सकते बता नहीं सकते परेशानी क्या है वो आपको एहसास नहीं दिला सकते आपको सिर्फ महसूस करना है देखना है वो रोते हैं चिड़चिड़ापन का मुजाहरा करते हैं तो आपको समझ जाना है कि बच्चों को कुछ परेशानी है उनको नींद नहीं आती है बेचैनी रहती है तो इस तरह से वो अपने दर्द का इजहार करते हैं जब बच्चों को भूख लगती है तो रोता है जब कोई दर्द और तकलीफ़ होती है तो वो रोता है तो समझ लें कि बच्चे को कुछ परेशानी है तो अगर बच्चे को दांत निकल रहा है या उसके पेट में गैस बन रही है बदहजमी है मोशन फ्री नहीं हो रहा है या दस्त आ रहे हैं तो इन तमाम अमराज के लिए जन्म घूटी जन्म घूटी बहुत अच्छी दवा है जन्म घूटी आप इस्तेमाल करें तो ये जो तमाम अमराज हैं पेट का दर्द है गैस है बदहजमी है और जो दांत निकलते वक्त की परेशानी है वो तमाम चीज़ें बच्चों में बच्चों से दूर हो जाती हैं मकदार खुराक क्या है कैसे इस्तेमाल करना है तो आप बच्चों को थोड़ा दीजिए एक कतरा दो कतरा सुबह शाम या ऐसा कह लीजिए एक से दो ग्राम सुबह शाम कनकुने कुन पानी में या नॉर्मल पानी में या सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को पहले उबाल लें पानी को उबाल करके फिर उसको ठंडा कर लें ऐसे नॉर्मल रख दें ठंडा हो जाएगा फिर थोड़ा सा चम्मच में घोल के उनको पिलाएं तो इस तरह से अगर इस्तेमाल कराते हैं बच्चों को तो इस दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं मुजर्रब है, है। ज़माने कदीम से ये दवा चली आ रही है बड़ी बूढ़ियाँ जो थी वो दवा इस्तेमाल करती थी और ये केमिकल से बिल्कुल पाक व साफ होता है ये जो कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हीं जड़ी बूटियों से यह दवा तैयार की जाती है जैसे अर्क़ पुदीना है अरक़ सौंफ है और ये जो हमारे घरों के अंदर जो मसाले ज़ात इस्तेमाल होते हैं उन्हीं चीज़ों से मिला करके ये यूनानी दवा तैयार की जाती है तो हम इसी तरह से आपके सामने ये मालूमती वीडियो लाते रहेंगे तो आप हमारा चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें इन शह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ असलम वरह वबरकू